हेलो दोस्तों, आर के टेक्सटाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि एक फुल शॉट मोबाइल का आप कैसे रिपेयरिंग करेंगे और कैसे पहचानेंगे ये मोबाइल शॉट है या नहीं। ठीक है, मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा और ये डीसी मशीन से भी, डीसी पावर सप्लाई से भी चेक करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पे रखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए बीप बज रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो बैटरी का जो कनेक्टर है वहाँ पे चेक कीजिए, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव को देखिए। देखिए बीप बज रहा है जो कि बीप नहीं बजना चाहिए था। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी बीप बज रहा है, इसका मतलब ये फ़ोन फुल शॉर्ट है। ठीक है, ये हो गया मल्टीमीटर से। अब मैं दिखाऊंगा डीसी पावर सप्लाई से कैसे इसको चेक करेंगे। ये इसका नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव में लगा देते हैं और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देते हैं। ये देखिए वहाँ पे बीच बीप बजना शुरू हो गया है और दिखा रहा है कि पूरा फुल शॉट है। ठीक है, इस तरह से आप फुल शॉट, हाफ शॉट चेक कर सकते हैं। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ से हो रहा है। ये फ़ोन पानी में गिर गया था, इसके इसके वजह से यह शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा इसको, ये इसका मदरबोर्ड को ओपन करके कहाँ पे कोई कार्बन जमा हुआ है या नहीं। अगर ठीक है तो, अगर जमा हुआ है तो उसको थिनर या फिर किसी भी लिक्विड से क्लीन करके उसको साफ करके करके फिर से ड्राई करके एक बार बैटरी लगा के देख सकते हैं कि ऑन हो रहा है या नहीं। या फिर अगर ज़्यादा शॉर्ट होगा तो उसका वो आईसी वगैरह जा गया होगा। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटर है, जो छोटा 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 कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, वो मल्टीमीटर से मैं चेक करके दिखाता हूँ वो कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, हाँ, अब मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज पे रखिए। ठीक है, उसके बाद ये रेड वाला वायर को आप नेगेटिव में लगाइए, कहीं पे भी नेगेटिव में लगा दीजिए, यहाँ ऐसा करके नेगेटिव में लगाइए। और जितना भी कैपेसिटर है वहाँ कैपेसिटर के एक साइड में लगाइए, बीप आवाज आएगा, दूसरा साइड में लगाइए तो बीप आवाज आएगा। अगर दोनों साइड में आवाज आता है तो उसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब है। मैं ठीक से दिखाना चाहता हूँ कैपेसिटर को चेक करके। ठीक है, देखिए जैसे ये एक कैपेसिटर है, इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा, थोड़ा फोकस में लगा उसको। हाँ, ये वाला कैपेसिटी को मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये इसका नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा साइड में जब मैं यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूटी आएगा, वैल्यू आएगा जो कि ये कैपेसिटर, आप ऐसे चेक करेंगे तो देख सकते हैं। एक तरीके से एक साइड से आवाज़ आ रहा है, एक साइड से वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है। इस तरह से आप सारा जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है सबको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।